डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ। वो बिट्रे नहीं करेंगे। वो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी दिव्या। कैपिटल एन कैपिटल ओ दैट मींस नो। क्या इनसिक्योर हुए दीपिका को लेकर रणवीर सिंह? क्या SRK के पठान के लुक से हैं फैंस नाखुश? क्या SRK की ये कमबैक फिल्म में देखने को मिलेगा हमें कुछ नया? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। जब से पठान फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई है तभी से ये फिल्म चर्चा में है, और आखिर क्यों ना हो। इतनी शानदार स्टार कास्ट अगर किसी फिल्म की हो तो उसकी चर्चा ना होना मुमकिन ही नहीं है। फिल्म के लीड हीरो SRK हैं, तो वहीं उनके अपोजिट विलन के अवतार में होंगे माचो मैन जॉन अब्राहम, और फिल्म की लीडिंग लेडी दीपिका पादुकोण है। इस फिल्म में हमें जॉन और SRK के साथ दीपिका भी एक्शन करते हुए नजर आएंगी। अगर इतनी सेक्सी और ग्लैमरस स्टार कास्ट हो तो उनके बीच ट्यूनिंग होना तो बनता ही है, और उसी को लेकर रणवीर सिंह ने एक बार अपने लाइव सेशन में दीपिका के बारे में बताते हुए कहा था कि दीपिका जॉन की बॉडी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, और दीपिका के हिसाब से जॉन के पास सबसे हॉट और सेक्सी फिजिक है। ये कहते हुए रणवीर के चेहरे की हंसी से ऐसा लगता है कि रणवीर को दीपिका के जॉन की बॉडी की तारीफ करने में कोई आपत्ति नहीं है। पर उन्होंने अपने लाइव में साथ ही साथ ये भी बताया कि दीपिका मायोको में पठान का एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग का शूट कर रही हैं, और वो सॉन्ग रणवीर ने भी सुना है और उन्हें भी बहुत पसंद आया है। वो सॉन्ग और कोई नहीं, सिद्धार्थ आनंद के द्वारा डायरेक्ट किया गया और विशाल शेखर का सॉन्ग है। वहीं SRK की बात करें तो जब से एक्टर थम्सअप की एड में अपने अलग लुक और अंदाज में एंट्री मारी है तभी से सारे फैंस उनके दीवाने हो गए। दीवाने तो पहले भी थे उनकी, बादशाह उन्हें ऐसे ही नहीं बोला जाता है बॉलीवुड का, लेकिन अपनी आखिरी फिल्म 0 के फ्लॉप जाने के और साथ ही अपने नवाबजादे आर्यन खान की जेल जाने की वजह से एक्टर काफी डिप्रेशन में थे, लेकिन उनके खास दोस्त सलमान खान उनकी शील बने और उन्हें ही इस फिल्म की शूटिंग को फिर से शुरू करने की सलाह दी। और अब जब पठान के रिलीज डेट का टीजर लॉन्च हुआ है तब सबको पता चल गया है कि SRK इज बैक इन एंड एज पठान, और जब SRK ने अपने 8-pack एब्स और लंबे बालों के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला तो मानो जैसा पूरा सोशल मीडिया के बीच दीवाना हो गया, और उनके फैंस से भी उनकी इस फिल्म के लिए काफी अच्छे और बेहतरीन रिएक्शंस मिले। बता दें SRK के लास्ट फिल्म 0 हम सभी ने पर्दों पर 2018 में देखी थी, जिनमें उनके साथ अनुष्का और कैटरीना कैफ थे, और अब पठान की रिलीज डेट है 25 जनवरी 2023 की है। तो लग भरपूर रहा है कि 5 साल बाद हमें SRK को बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा, और पठान की पूरी टीम को भरोसा है कि ये SRK की और सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में से एक होगी, और क्योंकि ये SRK की कमबैक फिल्म है तो इसका हिट होना तो बनता ही है। आखिर पूरे 5 साल बाद SRK के फैंस का इंतजार खत्म हुआ है, तो फिल्म तो हिट होनी ही है, और साथ ही साथ सलमान खान इस मूवी में कैमियो है, तो सारा सल्लू फैंस और SRK फैंस इस फिल्म को देखने जाएंगे, तो ये फिल्म हिट ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता।